नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे ई फार्मेसी के बारे में कि ई फार्मेसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे बुखार लगता है या सर्दी होती है तो आप मामूली मतलब डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं, आप मेडिकल स्टोर चल जाते हैं कि हाँ भाई मुझे बुखार लगा हुआ है। अगर आपको मेडिसिन का नाम पता है तो आप मांग लेते हैं, वो दे देता है, या फिर आप जाके प्रॉब्लम बताते हैं तो खुद इतना नॉलेज उनको हो जाता है दवाई दे देते दे कि वो दवाई आपको प्रीफर कर सके कि आपको बुखार है तो ये पारासीटामोल या कोई और दवाई ले लीजिए। ओके, तो ये तो हुआ ऑफलाइन की बात, यानी आपको खुद जाना पड़ेगा दुकान में और बताना पड़ेगा आपका प्रॉब्लम या दवाई का नाम। लेकिन ई फार्मेसी में क्या होता है, ई फार्मेसी मतलब ऑनलाइन हो गया। जैसे आप कैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, आप घर बैठे ही आपका सामान पहुंच जाता है, आपको ऑनलाइन ही पैसा आपको भेजना होता है और सामान आपको घर तक पहुंच जाता है। उसी तरह बहुत सारा वेबसाइट खुल गया है ऐसा जो मेडिकल स्टोर ऑनलाइन चला गया है, मतलब मेडिकल स्टोर को लेकर ही ऑनलाइन चला गया है। आपको बुखार है उस साइट पे जाइए, क्या प्रॉब्लम है वो लिखिए, आपको वहाँ स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, वो देखेंगे आपको कितना क्या है क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार आपको मेडिसिन देंगे और ऑनलाइन आप पैसा पे कीजिए, वो ऑनलाइन वो आपको कुरियर के थ्रू आपके घर पहुंच जाएगा तुरंत, आधा घंटा या 15-20 मिनट के अंदर। इसे कहते हैं ई फार्मेसी, यानी ऑनलाइन आपके घर तक सामान पहुंचाना, ठीक है, इसे ही कहते हैं ई फार्मेसी। आप समझ गए होंगे, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो घर तक आपके पहुंच जाता है, उसी तरह आप दवाई मंगवाएंगे तो ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।